हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके दो इफेक्ट हमने देखे थे। पहला देखा था हीटिंग इफेक्ट और दूसरा हमने देखा था उसका इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। हमें जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या कोई भी आप प्लग में गलती से भी हाथ लगा देते हो विद हाई पावर प्लग, तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उससे स्टिक कर जाता है। इट मीन्स इट गेट्स अट्रैक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू ह्यूमन्स। वी स्टिक टू द प्लग, कहते हैं कि बिजली का झटका लगे तो उसके साथ चिपक जाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना है कि मैग्नेटिज्म क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म और ये वर्ड कहाँ से आया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज रेफर्ड टू एज मैग्नेटिज्म। The mineral showing such properties are called natural magnets. लेकिन वर्ड मैग्नेट कहाँ से आया? क्या देखा गया कि एशिया के अंदर इन एशिया माइनर एक प्लेस थी जिसका नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट था मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक जगह का नाम है मैग्नीशिया। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ओर्स हैं, हियर सम ओर्स हैड ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड So from here the word magnetism came up because magnesia जगह का जो नाम था, आज उसे हम लोग magnesia के नाम से भी जानते हैं और इसीलिए इसे magnetite के नाम से भी कहा जाता है। So इस magnesia से ही ये word magnetism बना है। So how can we define a magnet? A magnet is a substance which has both attractive and directive properties. Magnet consists of number of ores of iron Fe3O4 as its structural formula. ये magnets दो तरह के हो सकती हैं। One is natural, another one is synthetic. जो natural magnets होती हैं बच्चों, these are the weak magnetic properties होती हैं इनकी।
एंड दे हैव इररेगुलर शेप्स। सो इसीलिए जब इन नेचुरल मैग्नेट्स को, व्हेन नेचुरल मैग्नेट्स आर रब्ड विद आयरन और स्टील बार्स, दे बिकम सिंथेटिक मैग्नेट्स। कौन बोला? आयरन और स्टील बार। आयरन या स्टील बार जो है वो नेचुरल की जगह सिंथेटिक मैग्नेट का रूप ले लेती हैं, एंड दे हैव डिजायर्ड साइज एंड शेप द सिंथेटिक मैग्नेट्स। ये तो हुआ कि मैग्नेट नेचुरल है या सिंथेटिक, उसके बेस पे इसके तीन दो डिफरेंट टाइप हमने बताई। नाउ कॉमनली यूज्ड मैग्नेट्स कैसे कैसे शेप्स की होती हैं। इन शेप अगर हम देखें तो उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली आपके पास आती है बच्चों बार मैग्नेट, देन यू हैव मैग्नेटिक नीडल्स, और तीसरी आपके पास आती है मैग्नेट कंपास नीडल्स। फ़र्क क्या है? बार मैग्नेट में सिंपल एक बार होता है और इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलता है। जो आपका नॉर्थ पोल रहता है बच्चों वो होता है रेड कलर का, और जो साउथ पोल होता है दैट इज़ ब्लू कलर। सिमिलरली जो मैग्नेटिक नीडल है आपके पास, इट इज़ अ रोम्बस शेप नीडल। इसमें क्या होगा, लुक एट इट, इस तरह से रहेगी एंड दिस इज लाइक दिस, और इसके अंदर एक रेड मार्क हो जाता है विच इज नॉर्थ, और जो ब्लू मार्क होगा दैट विल बी साउथ। थर्ड हमारे पास होती है कंपास नीडल, जिसमें आपके पास एक सर्कल है जो कि ब्रास का बना हुआ होता है। इसके ऊपर हम एक ग्लास टॉप लगाते हैं और अंदर आपके पास ये रोम्बस शेप नीडल रहती है। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड विद रेड एंड ब्लू मार्क्स। इफ इट इज़ रेड इट इज़ नॉर्थ, एंड इफ इट इज़ ब्लू इट इज़ साउथ, एंड इट इज़ पिवटेड ऑन अ पिन पॉइंट। सो दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट। अभी आपकी मैग्नेटिक नीडल हो या मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये सस्पेंडेड भी हो सकती है फ्रीली या पिवटेड हो सकती है। दिस इज ऑलवेज पिवटेड विद अ ग्लास टॉप, यूजेस क्या है इनके? इट इज यूज फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन प्लेस, एंड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द मैग्नेट्स। कोई भी मैग्नेट है कितने दूर तक, कितने डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है, उसे जानने के लिए हमें समझना है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The space around a magnet in which the force of attraction
एंड रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी विद अ वेक्टर साइन. वाई वेक्टर साइन? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन गिवन बाय मैग्नेटिक कंपस. सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसीलिए हम कितने हैं बी के ऊपर वेक्टर साइन. सो दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो देखिए लेट अस से वी हैव अ बोर्ड, ठीक, और यहां हमने रखी है एक बार मैग्नेट विद नॉर्थ पोल ओवर हेयर एंड द साउथ पोल ओवर हेयर. दिस इज द कार्डबोर्ड शीट. The bar magnet. Now what is happening? हम देखेंगे कि जब हमने इसने इसका फील्ड चेक किया तो इट केम आउट लाइक दिस. सो ये लाइन्स हमें जहां तक दिखाई दे रही हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL. हुआ क्या है, ये जो लाइंस हमें दिखाई दी बच्चों, दीज आर लाइंस एक्चुअली हुआ क्या, ऑन स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन अ पेपर they arrange themselves in the pattern shown above. These lines shown are magnetic field lines. ये क्यों हुआ? Here, each small iron piece behave like a small magnet. And arrange themselves in the magnetic field. Due to force of attraction from north and south poles in a particular direction. हमने पहले ही कहा था कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ खींचती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको डायरेक्ट करती है, राइट. Now these curved paths along with the iron fillings arrange themselves
due to the force acting on them in the magnetic field of the bar magnet. Are called magnetic field lines. So magnetic field lines क्या है? These are the curved paths along the bar magnet. So look at it. This is the bar magnet with north and south. Magnetic field lines बच्चों curved paths हैं. Okay. लाइक दिस हमेशा नॉर्थ से निकलते हैं, हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ आएंगे और साउथ से हमेशा अंदर की तरफ जाएंगे. सो ध्यान रखिएगा जब हम मार्क करेंगे तो अपवर्ड एरो, अपवर्ड साइड पे अगर एरो लेफ्ट में दे रहे हो तो डाउनवर्ड में भी लेफ्ट में ही देना है. डोंट मेक इट अ सर्कल कि यहाँ से लेफ्ट है तो यहाँ से राइट दे दिया. नो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है एंड इट इज़ मूविंग साउथ टू नॉर्थ इन द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ. सो लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स MFL आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट. नंबर टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड from south to north inside the magnet. Number three, magnetic field lines are closed, continuous and curved lines hain, CCC, right? Number four, magnetic field lines are crowded near poles where magnetic field is strong. And number five, देखिए आप poles के around they are crowded, ठीक, यहाँ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा पोल्स के आस पास, क्योंकि देखिए कितनी सारी लाइंस क्राउडेड हैं. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट एंड far from magnet where magnetic field is weak. To look at it, crowded थे poles के ऊपर लेकिन magnet के center में देखो कितने दूर हैं, magnet से बहुत दूर हैं. So जहाँ भी magnetic field weak होता है magnetic field lines दूर होती हैं या फिर मैग्नेट से बहुत दूर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. व्हाई? बिकॉज देयर वुड बी
टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट ट्रू. मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते. नंबर 7, इन केस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट. एक तो पैरेलल है और ऊपर से इक्वी डिस्टेंस है. देन दिस डिनोट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन अ लिमिटेड एरिया और द लिमिटेड स्पेस. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे जाती हैं बच्चों? नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट. ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इस पॉइंट को याद रखिएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ टू साउथ जाती हैं आउटसाइड मैग्नेट. ठीक, लेकिन ध्यान रहे ओनली आउटसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट नहीं. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. किसने ढूंढा था इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप? वॉज फाउंड बाय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. खाली एच सी ऑर्स्टेड भी आप लिख सकते हैं. इन 1820 हुआ क्या था, उन्होंने एक मैग्नेट लिया, ठीक, और इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया सच दैट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, इस तरह से आपकी मैग्नेट पड़ी हुई थी, ठीक है. उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दिस उन्होंने एक कंडक्टर को रखा जिसके अंदर करंट पास कर रहा था. दिस इज द कंडक्टर विद अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. और उन्होंने क्या देखा कि जब हमने इस कंडक्टर को इसके ऊपर रखा, लाइक लेट अस से दिस इज द मैग्नेट, और उसके ऊपर ये कंडक्टर रख दिया. सो व्हाट हैपेंड, जैसे ही हमने इस कंडक्टर को इसके ऊपर रखा तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. जैसे ही फील्ड जनरेट हुआ सो देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन इन द नीडल, आपकी कंपस के अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया, मैग्नेटिक मैग्नेट जो थी वो मूव करने लगी. लेट अस से अब देखते हैं कि ऊपर रखा तो क्या हुआ, और फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया. लेट अस से लेट इट डिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में वो मूव कर गया, ठीक है. चलिए मान लेते हैं कि ये अगर मेरा नॉर्थ था, like this north south east and west, so the ये conductor जो है it started moving towards north, ठीक, on the left hand side. चलो left, हम इसको left hand side कर लेते हैं, left hand side direction हो गए. दूसरी बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने conductor की direction change कर दी. now conductor with downward direction of करंट. तो उन्होंने देखा भाई ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है, जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो ये जो था मेरा नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था और ये ईस्ट था,
सो जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, सो हमारी डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गई. व्हाट हैपेंड, जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, ये अभी लेफ्ट को मूव कर रहा था, अब ये राइट को मूव करने लग गया. सो द डिफ्लेक्शन इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन. इससे उन्होंने क्या इन्फर किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है. तो डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज मैग्नेटिक फील्ड यानी मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर इज चेंजिंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है ना. तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट जहाँ भी थी नॉर्थ की अट्रैक्ट हुआ. यहाँ क्या हुआ, साउथ से दूर गया, गया जा किधर रहा है, नॉर्थ की तरफ, करेक्ट. यानी इट इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ. सो आप यहाँ लिख सकते हो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. क्योंकि जो कंपस है बच्चों वो हमें सिर्फ दिखा रही है कि मैग्नेटिक नॉर्थ है और कंपस की तरफ मूव कर रहा है वो. सो द की टेक अवे सिर्फ ये था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की कोई भी करंट आता है, कंडक्टर आता है, तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन इन द कंपस हैज बीन ऑब्जर्व्ड. दैट वॉज द की पॉइंट फ्रॉम ऑस्टेड. तो जस्ट ऑस्टेड फाउंड दैट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट बट ऑल्सो ऑन वेदर कंडक्टर वॉज अबव और बिलो द नीडल. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये कंपस नीडल है विद दिस नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, एक बार कंडक्टर हमने ऊपर रखा इस तरह से और एक बार कंडक्टर की डायरेक्शन करंट की हमने चेंज की, ठीक है. यहाँ भी आपका नॉर्थ एंड साउथ, एक बार कंडक्टर ऊपर रखा दोनों डायरेक्शंस में और दूसरी बार हमने कंडक्टर को नीचे रखा, अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कुछ भी हो सकती थी. हमने दोनों डायरेक्शंस में चेक किया और दोनों ही केसेस में हमें डिफ्लेक्शंस में चेंजेस मिले. दोनों ही बार वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुई. अब देखो यहाँ है, सो इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ. ये इधर की तरफ मूव कर गया क्योंकि साउथ से रिपेल होना है इसने. इट हैज़ टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ. यहाँ भी देखो क्या हुआ, इट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ. सो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से आपको डिफ्लेक्शन में चेंजेस मिले. सो दिस वॉज सेइंग कि सिर्फ करंट की डायरेक्शन नहीं, पोजिशन ऑफ द कंपस इज ऑल्सो अफेक्टेड, इज ऑल्सो अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द ऑब्जर्व्ड. सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट अराउंड एवरी कंडक्टर कैरिंग करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, अब किस तरफ डिफ्लेक्शन होगी, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ रिपेल होगा, ये हम आगे देखेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना देखना है हमने कि डिफ्लेक्शन होने वाली है, करंट पास हो रहा है तो कंपस हिलेगी. कंपस हिल क्यों रही है, क्योंकि उसको या तो अट्रैक्शन मिल रहा है या उसे रिपल्शन मिल रहा है, दोनों में से कुछ हो रहा है. लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि किस तरफ मूव करेगी उसके बारे में बाद में बात करते हैं अभी. सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ needle due to
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल. नीडल क्यों कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइक दिस कंडक्टर. नीडल इसके तरफ आएगी या इससे दूर जाएगी, ये फाइंड आउट करना है हमें. इसको फाइंड आउट करने के लिए देर वॉज अनदर एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द एम्पियर्स स्विमिंग रूल. आई मीन ये सब रूल सिर्फ थ्योरेटिकल थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम दूसरे रूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. सो एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या था? इट इज़ यूज्ड बाय वॉज यूज बाय एंड्रे मेरी एम्पियर. बड़ा नाम, अच्छा नाम है मैरी. इन्होंने इसको यूज़ किया, इसीलिए इसका नाम एम्पियर्स स्विमिंग रूल रख दिया गया. हुआ क्या? लेट द ऑब्जर्वर, अब पॉइंट याद रखिएगा, हर चीज़ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है. लेट द ऑब्जर्वर इमेजिन हिमसेल्फ टू बी स्विमिंग. नाउ पिक्चराइज करो कि आप स्विम कर रहे हो अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब आप इमेजिन कीजिए, आप स्विम कर रहे हो विद योर बैक और कंडक्टर आपके हाथ में है, जस्ट लाइक अ स्टिक जिसके ऊपर एक एरो बना है जो कि आपके हेड की तरफ है. तो चलिए एक ब्यूटीफुल से डायग्राम बनाते. ये रहे हम स्विम करते हुए, हमारे पैड, और ये रहा मेरा कंडक्टर. इन दिस डायरेक्शन एरो, इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज व्हाट ही सेज दैट ऑब्जर्वर को इमेजिन करना है कि वो स्विम कर रहा है. दिस इज द ऑब्जर्वर, करेक्ट? सो इमेजिन दैट द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ टू बी स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल. यानी मैग्नेटिक नीडल कहाँ है? बिल्कुल उसके सामने है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडक्टर है जिस जो आप खुद को महसूस कर रहे हो कि आप एक कंडक्टर हो, और आपके ऊपर कंपास नीडल है, ये रही आपकी कंपास नीडल नॉर्थ एंड साउथ, ठीक. सो नाउ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, देन द नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. सो दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड. So this is right, this is left. So magnetic compass will deflect towards the left hand. So it is like this. So देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम. And facing the magnetic needle, then the north pole of magnetic compass और नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, राइट. सो एक बार देखो, ये रहा आपका मैग्नेटिक, ये करंट, करंट इन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. पक्की बात होगी ये साउथ है ये नॉर्थ है, क्योंकि ये डायरेक्शन मूविंग कर रहे हो, कंपास ऊपर है. सो ये साउथ है ये नॉर्थ है, ठीक है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स, कहाँ पे? ये नॉर्थ है ये साउथ है, आप हो ये, यू आर स्विमिंग विद दिस डायरेक्शन, ठीक. और कंपास नीडल आपके ऊपर पड़ी है, सामने. यू आर फेसिंग दिस कंपास नीडल लाइक दिस ऑन द टॉप. लेट अस जस्ट मार्क इट लाइक दिस. दिस इज माय कंपास नीडल, ठीक है. ये बिल्कुल आपके ऊपर है, यू. सो इट सेज इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. तो लेफ्ट को मूव कर दें. लेफ्ट को अगर मूव करते हो तो ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सी लेफ्ट हैंड, सॉरी, टुवर्ड्स वेस्ट. और अगर डायरेक्शन करंट की चेंज कर दें, ये साउथ ये नॉर्थ, देन अगेन करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
देन कंपस नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट। बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, स्विमिंग रूल वाला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। सो इसके लिए एक हमें रूल दिया गया जिसने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। व्हाट वाज दैट? इट सेज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसी ने हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी। बार बार सोचे जा रहे हैं इधर घूमेगा उधर घूमेगा, अरे यार सीधा सा रूल बनाते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल बनाते हैं। व्हाट इज़ दिस रूल? देखो बच्चों, एज्यूम दैट यू हैव अ कंडक्टर इन योर हैंड लाइक दिस, ठीक। द कंडक्टर इज इन योर हैंड एंड दिस इज योर थंब विद दीज योर फिंगर्स कर्लिंग। दिस इज योर राइट हैंड। नाउ दिट्स डायरेक्शन ऑफ थंब, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दीज कर्लिंग फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ आके उन्होंने बात ख़त्म कर दी कि कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर दो कि किस तरफ होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं सोचना। राइट हैंड लो, करंट कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़िए लाइक दिस, होल्ड इट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड योर कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सो अब आप ये देखिए आपकी जो फिंगर्स हैं वो कैसे कर्ल कर रही है। लुक एट योर नेल्स। आपने ये नहीं देखना फिंगर जा कर रही है, आपने नेल्स देखने हैं। इफ़ जहाँ से आपको नेल्स दिखाई देंगे वो नॉर्थ है, जहाँ से आपको नकल्स दिखाई देंगे वो साउथ है, ठीक है। लुक एट इट नाउ, आपने कंडक्टर को पकड़ा है, लुक एट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नाउ आपके हाथ में कंडक्टर है, यू आर एबल टू सी द नेल्स नाउ, दिस इज़ योर नॉर्थ। सो नॉर्थ साउथ ये क्या हो गया, वेस्ट एंड ईस्ट। सो इसका मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ नॉर्थ जाती है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से मिलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से होते हुए इधर जा रही हैं, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू सी द नकल्स। सो इसको आप ऐसे ध्यान रखिए, ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये क्या होंगे, ईस्ट और वेस्ट। नाउ वेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि नीडल्स आपके नेल्स आ रहे हैं, पॉइंटेड बाय द डॉट लाइक एन एरो। एरो जब आपकी तरफ आएगा तो वो डॉट होगा, जब आपसे दूर जाता है तो उसके आपको क्रॉस दिखाई देता है, राइट। सो डॉट जब भी दिखाई दे आपके नेल्स दिखाई देंगे और क्रॉस जब दिखेगा तो आपके नकल्स दिखाई देंगे, ठीक। नेल्स से याद रखिएगा नॉर्थ, इससे याद रखिएगा साउथ, किसका, नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपस, ठीक है। सो दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं, व्हेन करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, कंडक्टर के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का कहां से शुरू होता है, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट। ठीक है, इसका मतलब वेस्ट में कौन है, मैग्नेट का नॉर्थ,
ईस्ट में कौन है, मैग्नेट का साउथ, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी जाती दिखाई देंगी। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार फिर सुन लो, राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि अगर अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन देता है तो कर्लिंग फिंगर्स आपको बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कर्व्ड एंड कंटिन्यूस लाइन्स दैट रन फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। लेकिन कंपास के कंपैरिजन में क्या डायरेक्शन है, वेस्ट। कंपास के कंडक्टर के कंपैरिजन में वेस्ट, कंडक्टर के कंपैरिजन में ईस्ट डायरेक्शन पड़ती है। सो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन की अमाउंट बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इफ द करंट ऑफ कंडक्टर, लेट अस मार्क इट एज एक्स एंड वाई कंडक्टर, चलिए, इफ द करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट, इफ द करंट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस देन डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस नीडल इंक्रीजेस। ठीक है, सिंस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। नाउ दूसरा क्या पॉइंट आता है बच्चों, दैट इफ डिस्टेंस ऑफ कंपस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस then deflection decreases। क्यों, ये देखिए, ये है आपका कंडक्टर, लेट अस मार्क इट एज एक्स एंड वाई कंडक्टर, और ये पढ़िए आपकी कंपस, राइट। इस कंपस की अगर डिस्टेंस हम यहां से बढ़ा दें तो आपको मालूम है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितनी दूर जाएंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। सो मोर द डिस्टेंस लेसर इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन कंपस एंड कंडक्टर। कंपेयरिंग One and two, that is B directly proportional to I, B inversely proportional to R. What do we get? B is equal, is directly proportional to I upon R. What is the SI unit of I? Ampere. What is the SI unit of R? Meter. So we can say that Tesla is equal to ampere पर मीटर और एम्पियर मीटर इनवर्स। और ये टेस्ला आया कहाँ से है, बाय द नेम ऑफ निकोला टेस्ला। साइंटिस्ट हैं हमारे, और उन्होंने इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन की थी, ढूंढा था इनको, तो इनके नाम पे उसकी यूनिट है। एक छोटा सा थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करेगी तो उसका भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, नियर इट्स सरफेस इज इक्वल टू, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है तो ये भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो देगी, लेकिन बहुत कम होता है। सो 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नियर इट्स सरफेस। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की स्मॉलर यूनिट क्या है,
इज कॉल्ड गॉज, डिनोटेड बाय कैपिटल जी. वेयर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 जी. सो वैल्यू ऑफ बी फॉर अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 0.3 जी. या तो 0.3 × 10^4 टेस्ला माइनस 4 टेस्ला या 0.3 जी इज द वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर कोई आपसे राइट हैंड थंब रूल पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? राइट हैंड थंब रूल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट एम्पियर ने किया. उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक, और इस कार्डबोर्ड के अंदर दो होल्स क्रिएट कर दिए सच दैट कि एक सर्कुलर कॉइल को इसमें से पास किया लाइक दिस, और इस वायर को नीचे से एक सर्किट के साथ कनेक्ट किया. लाइक दिस, ये हो गया आपकी की और ये रही आपकी सर्किट कंप्लीट. अब देखो, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल. करंट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. करेक्ट, दिस इज अ सर्किट. अब उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी बच्चों, ठीक है. सो ही टुक अ कार्डबोर्ड एंड अ सर्कुलर कॉइल सच दैट इट पासिस थ्रू कार्डबोर्ड. द वायर इज कनेक्टेड विद सर्किट. And current flows clockwise. देख रहे हो आप, करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर घड़ी की सुइयों की तरह clockwise current flow कर रहा है, ठीक. हम इसको mark कर लेते हैं point A and point B, clockwise or you can say from A to B. चलेगा. Some iron fillings were sprinkled on the cardboard. हमने आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर डाल दी. जब हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी और इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन कर दिया, तब हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स थी, दे गॉट अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन लाइक दिस. इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ. These iron fillings got arranged in a particular fashion, like this, with these directions of the current. ठीक. With these directions of the current. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, apply करेंगे क्या यहाँ? Now, by applying right hand thumb rule, हम यहाँ right hand thumb rule apply करेंगे at A as well as at B. तो हमें direction of magnetic field lines मिल जाएंगी. तो now hold it. ये है आपका पास point A, ये है point B.
ठीक है, दोनों पॉइंट्स में आप इसे राइट हैंड थंब रूल लगाइए, सच दैट अ सिंगल कंडक्टर इज देयर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, सो लुक एट इट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड. हाउ यू आर गोइंग टू कर्ल द फिंगर, नेल्स यहाँ दिखाई देंगे आपको एंड देन नकल्स आर सीन, सो इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग, लेफ्ट टू राइट. यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, डाउनवर्ड हो गया. नाउ आपको कैसे मिल रहा है, लाइक दिस, राइट, लुक एट इट. आपको पहले नकल्स दिखाई दिए फिर आपको नेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो नकल्स दिख रहे हैं तो इट इज़ मूविंग अवे एंड आपके यहाँ पर आपको अपवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ वी आर मूविंग, लाइक दिस, करेक्ट. और बीच में क्या है, दीज आर दी यूनिफॉर्म फील्ड, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, विच इज गोइंग टू हैव अ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला, देखिए, नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द कॉयल आर नियरली सर्कुलर. देखिए राउंड राउंड गोल गोल हैं, आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक बिकॉज द कॉयल इन कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी act like straight conductors. Direction of magnetic field lines can be found by applying राइट हैंड थंब रूल. ठीक, नंबर टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द स्पेस एनक्लोज्ड by the coil. Look at it. They are in the same direction in the area. ये देखो ये भी upward, 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 सब upward है. So the magnetic field is in the same direction in the area between the A and B on the cardboard. Number three. Near the center, field lines are nearly straight and parallel. So, the magnetic field at center of the coil can be taken as यूनिफॉर्म. लुक एट इट, ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई दे रहे हैं. सो दीज आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नंबर फोर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल. ये भी, सो लुक एट इट, ये कार्डबोर्ड का प्लेन है विच इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वॉट इज वर्टिकल. सो 90 डिग्री के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही हैं. नंबर फाइव, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ कॉइल because the two fields between A and B assist each other, या synergetic effect आपको मिलेगा. so ये point भी बच्चों important है.
ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्शन सेंटर में परपेंडिकुलर होगी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसका रीजन पूछा जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर नॉर्थ कहाँ पे साउथ पोल जनरेट हुआ है इस कॉइल के अंदर। यानी यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, लेकिन अभी तक हम ये नहीं बता पा रहे इसमें नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा है। ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पर नॉर्थ बना है या यहाँ पे नॉर्थ बना है, हमें एक नया रूल सीखना है। व्हाट इज़ दैट रूल? इट इज़ कॉल्ड एज क्लॉक रूल। सो लेट अस लुक एट द क्लॉक रूल। क्लॉक रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए कैसे, बहुत मज़ेदार रूल है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस रूल सेज इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, राइट, ये आया करंट और ये गया करंट, ये गया ये गया, ये आया और ये गया। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट बस डिफरेंट है ना। व्हाट इज दिस डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज। एंड लुक एट दिस, इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन, करंट इज क्लॉकवाइज, इफ करंट इज क्लॉकवाइज एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन ये हो जाता है आपका साउथ पोल और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। देन इट इज साउथ एंड देन इट इज नॉर्थ। करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप बताइए यहां पे कैसा डायरेक्शन है करंट का? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे देखिए क्लॉकवाइज, गोल 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 घूम रहे, 6 9 12 3, 6 9 12 3 यही होती है घड़ी आपकी। यहाँ देखिए 3 12 9 6, 3 12 9 6 उल्टी जा रही है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। सो इन द गिवन डायग्राम ऑफ सर्कुलर कॉइल, इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर कॉइल एट ए At A, current is anti-clockwise. So, creates North Pole. तो यहाँ क्या जाएगा आपका? North. और ये हो जाएगा आपका South. है ना? Similarly, क्लॉकवाइज करंट एट बी क्रिएट्स साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक, फील्ड। सो नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इट विल बी दिस, फ्रॉम ए टू बी, नॉर्थ टू साउथ। करेक्ट। और ये देखिए आप, इट इज कमिंग आउट परपेंडिकुलर अगेन।
करंट के डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, सो अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द कंपस। यहाँ एक नया फैक्टर आता है बच्चों, दैट इज द एन, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल्स, कितनी कॉइल लगी है वहां पे, ठीक है। बिकॉज ईच टर्न, इन ईच टर्न डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, सो द रिजल्टेंट बी ड्यू टू द कॉइल इज इक्वल टू द सम्स ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू ऑल दीज टर्न्स। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई अपॉन आर। दिस इज इन केस ऑफ स्ट्रेट, इट इज फॉर द सर्कुलर कॉइल। Similarly, let us look at magnetic field due to a current carrying solenoid. बच्चों ये important topic है, solenoid अक्सर पूछी जाती है और हमें नहीं पता होती, बड़ी confusion रहती है solenoid को लेके, ठीक है। So an insulated copper wire wound on a cylindrical cardboard or plastic, any insulator tube such that its length is greater than the diameter is called solenoid. इसकी डेफिनेशन में हमेशा कन्फ्यूजन होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या है कि उसको एक इंसुलेटर के ऊपर रैप कर रहे हैं। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड ऑन अ सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड और अ ट्यूब सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन द डायमीटर इज नोन एज अ सोलेनॉइड। सो डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा इसका। हम आपको आगे का दिखाएंगे, पीछे का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गैप ले रहे हैं, अदरवाइज इतना गैप नहीं होता। दे आर वेरी टाइटली वूवन, गैप इसलिए ताकि हम आपको डायग्राम समझा सकें, राइट। दिस इज व्हाट इज अ सोलेनॉइड, इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, देन देर इज अ कंडक्टर रेजिस्टेंस दैट कैन बी चेंज्ड, there is a key and the circuit is closed, plus and then negative, this is a rheostat, ताकि इसकी resistance को हम आराम से change कर पाएं। I hope you understand the symbol. Now it is plus and this is negative, it means the direction of current is moving upward and it is going to come down. अब देखिए इस वाले back वाली में हमेशा ऊपर होगा, आगे वाली में हमेशा नीचे की तरफ current मिलेगा हमें, like this.
ठीक। अब आप देखिए, एक पोल ये है, एक पोल ये है मेरे पास। अगर मुझे ये बताना हो इसमें से नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है, तो क्या करेंगे? सो हम सिर्फ इस पोर्शन को ज़रा टिल्ट करते हैं। लेट अस टेक दिस वन, ये आ गया आपका। और इसके ऊपर देखो, ये वायर वुंड है, मैं इस वायर को ऐसे ही बना रही हूँ, लाइक दिस। नाउ लुक एट इट, इसमें वायर में करंट आगे वाली साइड कैसा है, ऐसा। पीछे वाली साइड क्या है, ये। सो नाउ लुक एट इट, इज इट क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज? दिस इज अ क्लॉक वाइज करंट, सो इट इज द साउथ पोल। नाउ लुक एट दिस वन, हम फिर से एक और सर्कल बनाते हैं। आपको बाहर की तरफ कौन सा करंट दिख रहा है, ये वाला। लुक एट इट, दिस इज द डाउनवर्ड। और पीछे की तरफ कौन सा है बच्चों, अपवर्ड करंट है। सो लुक एट इट, हाउ इट इज एंटी क्लॉक वाइज मूविंग ऑपोजिट। 3 12 9 6, 3 12 9 6, सो दिस इज एंटी क्लॉक वाइज। सो दिस इज द नॉर्थ पोल। तुम यह मार्क कर सकते हैं, इट इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। जब मैग्नेट बनेगी तो इसका नॉर्थ यहाँ आएगा और साउथ यहाँ बनेगा, ठीक। दिस इज वॉट इज अ सोलिनॉइड। सो अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे आप, दैट टू आइडेंटिफाई साउथ एंड नॉर्थ पोल क्लॉक रूल इज अप्लाइड इन सॉलिनॉइड, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है। नंबर वन, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ मिल रही हैं? सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। हमें ये पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। मैं आपको एक एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रही हूँ टू मेक इट लिटिल क्लियर डायग्राम, ठीक। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है बाहर से, और अंदर से लुक एट इट, दिस इज़ द डायरेक्शन। और देखिए ऐसा है कि बहुत सारी लाइंस ऐसी ही मिलेंगी अंदर, सो वी कैन जस्ट रिप्रोड्यूस दीज लाइंस जो अंदर हैं। दीज आर इक्वी डिस्टेंस एंड दीज आर पैरल। इसका मतलब सोलेनोइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इनसाइड सोलेनोइड, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी नॉट सोलेनोइड। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनोइड आर नियरली पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या है, यही तो एक्सिस है सेंटर वाला। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इनसाइड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दोज ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट विद वन एंड एक्टिंग एज साउथ पोल एंड अदर एज नॉर्थ पोल। हेंस अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट विद फिक्स्ड पोलैरिटी
फिक्स पोलैरिटी माने नॉर्थ एंड साउथ पोल फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं हो रहे। अब इसी में सब सब हेडिंग देखिए, सब पॉइंट क्या है, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट ऑफ अ बार मैग्नेट। सो आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टू इट। वेन फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनाइड, when current carrying solenoid is freely suspended, it sets itself in north-south direction exactly as a bar magnet. ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड की देख लें मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। नाउ वी नो दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वी आर ऑल्सो नो दैट इट इज स्मॉल इक्वल टू स्मॉल एन। वॉट इज दिस स्मॉल एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपको ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये एन कैलकुलेशन के लिए आएगा, याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, वो नहीं देखना है, टोटल नंबर ऑफ द सोलेनोइड के टर्न नहीं देखने हैं, पर यूनिट लेंथ देखना है। ठीक है, कि एक मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं तो वो तो सर्कुलर कॉइल जैसा हो जाएगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रखना है एंड नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। करेक्ट, तो स्मॉल एन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन एल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स अपॉन गिवन लेंथ, दिस वाज यू हैव टू टेक। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन एल और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, एक ही बात होने वाली है। ठीक, एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन केस ऑफ सोलेनोइड, हेंस वी कैन से दैट फॉर सोलेनोइड बी इज इक्वल टू आई इंटू एन और बी इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। दोनों ही फैक्टर्स सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनती हैं बाय यूजिंग सोलेनोइड। देन वी विल टॉकिंग अबाउट फर्दर टॉपिक्स, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। लेकिन आज के लिए इतना ही, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।